हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 ऑफ क्लास 8 आईसीएसई मैथ। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट दिस क्वेश्चन इज सेइंग? इट इज सेइंग दैट विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या कह रहे हैं? फर्स्टली ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये कि विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, के बिना स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए हुए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें बताना है कि इनके स्क्वायर रूट करने पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, बट वी हैव नॉट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो जैसे कि अगर इफ वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 64, इट इज 8, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 64 इज 8, विच इज ओनली वन डिजिट। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हैज ओनली वन डिजिट। स्क्वायर रूट ऑफ 144, इट इज 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हैज टू डिजिट्स। सो ऐसे ही हमने बताना है कि इफ वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 36864, इसमें कितने डिजिट आएंगे। तो कैसे पता है? चल लगाएंगे, सी स्क्वायर रूट ऑफ 36864, तो वी विल स्टार्ट इट्स पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। स्क्वायर मींस ही पेयरिंग होता है, तो स्टार्ट इट्स पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इनके ऊपर बार बनाएंगे ऑन टू डिजिट्स। टू डिजिट्स अंडर वन बार लेंगे पहले से स्टार्टिंग से, तो वन बार, टू बार एंड दिस इज थ्री बार। लास्ट में जितने रह जाएंगे उस पर भी बार लगाना है। तो कितने बार आए इसके ऊपर? 1, 2, 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36864 विल हैव थ्री डिजिट्स। द नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36864 विल हैव थ्री डिजिट्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बार आएंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसका स्क्वायर रूट करने पे। स्टार्ट करना है राइट साइड से, पेयरिंग में करना है 1, 2 एंड 3। थ्री बार आए तो इट मींस इसके स्क्वायर रूट में थ्री डिजिट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट 28900, 28900, तो इसमें कितने बार आ रहे हैं? लेट्स चेक फ्रॉम द राइट साइड, 1, 2 एंड 3। इसमें भी तीन बार आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28900 विल हैव थ्री डिजिट्स। ठीक है, उन्होंने बस डिजिट्स पूछे हैं कि कितने डिजिट्स आएंगे इसका स्क्वायर रूट करने पर, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 106276, इसका भी करते हैं बार, 1 बार 2 बार 3। ऑलवेज टू नंबर्स अंडर वन बार यहां से स्टार्ट करना है, लास्ट में जितने रह जाएंगे 1, 2 उन पे लगाएंगे हम बार एक। तो इट विल हैव कितने बार आए हैं? 1, 2, 3, इट विल हैव थ्री डिजिट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इट टेन क्या है ये 1, 2, 3, 4, 5, 1,06,276 विल हैव थ्री डिजिट्स। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 32400, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने आ गए? इट्स स्क्वायर रूट विल हैव थ्री डिजिट्स। ओके, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? थ्री डिजिट्स। नाउ 4507129, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थर्ड के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है और देन फोर्थ, प्लीज ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा। यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 एंड 4, स्टार्ट 2 से करना है, जितने रह जाएंगे लास्ट में डिजिट उन पे एक बार फिर से लगाएंगे। तो इट्स स्क्वायर रूट विल हैव 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स। इसका स्क्वायर रूट करने पे हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ओके,
Now next one is 5625. 5625, 1 bar, 2 bar. So its square root will have 2 digits. Okay, kyunki number of bar are 2. Next question is 24336. Start 1 bar, 2 bar, 3 bar. कितने हो गए? इट्स स्क्वायर रूट विल हैव 3 डिजिट्स. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6. होप इट इज क्लियर टू यू. कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर दैट. और कैसी लगी ये वीडियो ये भी बताइए मुझे. थैंक यू सो मच.